7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे का समय था। इजराइल की नींद रॉकेट के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट और सायरन की आवाज से खुली। 20 मिनट में करीब 5,000 रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों की तरफ दागे गए। ऐसे रॉकेट हमले रोकने के लिए बना इजराइल का आयरन डोम पे असर साबित हुआ। इजराइल की मशहूर खुफिया एजेंसी मोसाद को भी पहले से कोई भी ऐसी भनक नहीं लगी, लिहाजा पल भर में इजराइल में लाशों का ढेर लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सी टीवी, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे हमास के आतंकियों ने पल भर में हाईटेक देश इजराइल में तहलका मचा दी। आखिर हमास का इतिहास क्या है, हमास का गठन कब और किस लिए किया गया था। आज हम आपको हमास की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया और आज फिलिस्तीन पर राज कर रहा है। यूं तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच कई वर्षों से संघर्ष चले आ रहे थे, लेकिन इन संघर्षों में एक खतरनाक मोड़ साल 1987 में आया। 1987 वो वर्ष है जब हमास का गठन हुआ। हमास यानी हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध का ये आंदोलन था। ये फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है। विश्व इसको एक आतंकी संगठन के नाम से जानता है। हमास का गठन साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन ने मिलकर किया था। हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह की शुरुआत के बाद की गई थी। यहूदी राज ने 1967 के इजराइल अरब युद्ध में जीत के बाद इन दो फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। बहरहाल कतर के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्वी अध्ययन के प्रोफेसर खालिद अल हौब बताते हैं, उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, हमास मूल रूप से फिलिस्तानी मुस्लिम ब्रदरहुड का आंतरिक रूपांतरण है, जिसे 1946 में एरूसलम में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर अपनी पुस्तक में आगे लिखते हैं और बताते हैं, 1987 में जब पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा हुआ तो संगठन ने खुद को बदलने का फैसला किया और हमास को इजरायली कब्जे का मुकाबला करने के विशिष्ट मिशन के साथ एक सहायक संगठन के रूप में स्थापित किया। हमास के निर्माण के पीछे मुख्य वजह नाकामी की गहरी भावना थी, जो 1980 के दशक के अंत तक फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर स्थापित हो गई थी। यह मुख्य रूप से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, जो 1960 के दशक के मध्य फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल था, जिसने दो बड़ी रियायतें थीं। इन रियायतों में पहली, पीएलओ ने इजराइल और उसके अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी, जिससे फिलिस्तीन को आज़ाद करने के अपने लक्ष्य को त्याग दिया गया। दूसरी, इसने बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए एक रणनीति के रूप में सशस्त्र संघर्ष को भी छोड़ दिया। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि हमास ने अपना प्रतिरोध कैसे शुरू किया। दरअसल 1980 के दशक की शुरुआत में इजराइल और अधिकांश फिलिस्तानियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पीएलओ के बीच हस्ताक्षरित ओस्लो संधि समझौते का विरोध करने के बाद हमास को इसकी प्रमुखता मिली। समझौते का उद्देश्य इजराइल के साथ साथ एक फिलिस्तीनी राज्य के रूप में फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय लाना था। एक अलजजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह इसके खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि दो राज्य समाधान फिलिस्तीनी शरणार्थियों के उन ऐतिहासिक जमीनों पर लौटने का अधिकार खो देगा जो 1948 में इजराइल के जन्म के समय उनसे छीन ली गई थी। लिहाजा समझौते को तोड़ने के लिए हमास ने आत्मघाती हमले किए। इसने कई बस बम विस्फोट किए जिनमें कई इजरायली मारे गए और दिसंबर 1995 में इजराइल द्वारा समूह के मुख्य बम निर्माता याया अयास को मारने के बाद अपने हमले और तेज कर दिए। लिहाजा बाद में अमेरिका ने हमास को वैश्विक आतंकी समूह घोषित कर दिया। साल 1997 में अमेरिका ने हमास को एक विदेशी आतंकी घोषित करने के साथ साथ आंदोलन सन 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा के दौरान और हिंसक हो गया। ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से विफल होने के बाद शुरू हुआ था।
ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमास को राजनीतिक शक्तियां कैसे प्राप्त हुई। दरअसल वो साल 2006 था। इसी साल आतंकवादी समूह हमास ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सीमित फिलिस्तीनी प्राधिकरण के फिलिस्तीन विधान परिषद यानी कि PLC के लिए हुए लोकतांत्रिक चुनाव में आश्चर्यजनक जीत दर्ज की। हमास की जीत के पीछे कई कारक थे। कुछ लोगों ने अपने नुकसान का बदला लेने के लिए इजरायलियों के खिलाफ बमबारी करने की समूह की रणनीति का समर्थन कर दिया, लिहाजा साल 2006 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया। हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था, तो वहीं हमास के कब्जे को राष्ट्रपति अब्बास ने तख्ता पलट बताया था। तभी से हमास और इजरायल के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद अक्सर गाजा से इजरायल में हमास के रॉकेट हमले होते रहते हैं। हालांकि इजरायल भी कभी कभी हवाई हमले और बमबारी करता रहा है। दोनों पक्षों में रह कर हिंसा टकराव होती रहती है। दोनों पक्षों के बीच सबसे घातक झड़प साल 2014 में हुई थी। 50 दिनों की लड़ाई के दौरान 1462 नागरिकों सहित कम से कम 2250 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजरायली पक्ष के 67 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए थे। तो वहीं मई 2021 में एरूशलेम में अलक्सा परिसर में इजरायली सुरक्षा बलों के साथ झड़प में सैकड़ों फिलिस्तीनी घायल हुए थे। अब आप हमास का स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए, आखिर इसको चलाया कैसे जाता है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है। हमास का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। पहले आता है पोलित ब्यूरो, जिसमें 15 सदस्यों की टीम है, जिसके मुखिया हैं इस्माइल हानिये। उसके बाद आता है सूरा काउंसिल। सूरा काउंसिल वो काउंसिल है जो सुझाव देती है और पोलित ब्यूरो को चुनने का काम करती है। अब दोनों के मामलों को आप समझ लीजिए, गाजा के मामले और फिलिस्तीन के मामले में कौन अपनी भूमिका निभाता है। तो गाजा के मामले में मुखिया याना और फिलिस्तीन डायफलोना के मामले में सिनवर मुखिया खालिद मेसाल, ये अपनी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल हमास की राजनीतिक कमान इस्माइल हानियेह के हाथों में है और वो कतर की राजधानी दोहा से इसको ऑपरेट करते हैं। कहते हैं कि हमास के कुछ लोग तुर्की से भी काम करते हैं। हमास उस क्षेत्रीय संगठन का भी हिस्सा है जिसमें ईरान, सीरिया, लेबनान में मौजूद शिया इस्लामी समूह हिजबुल्ला शामिल है। ये संगठन सभी मध्य पूर्व और इजराइल में अमेरिकी नीति का व्यापक रूप से विरोध करता रहा है। हालांकि हमास का आधार और ताकत गाजा क्षेत्र में ही सीमित है, पर फिलिस्तीनी आधिपत्य वाले क्षेत्रों में भी इसके समर्थक रहते हैं। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे इजराइल फिलिस्तीन की एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।